नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। ये खबर आ रही है प्रधानमंत्री के शुभकामनाओं भरे एक ट्वीट, मुखिया योगी आदित्यनाथ वाली उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश और सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए एक ट्वीट किया, लिखा, हम इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहे हैं, उनके लिए न्याय और सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। ये रोक गणेश विसर्जन और मुहर्रम पर भी लागू रहेगी। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोई जुलूस, झांकी या शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। और तीसरे, मातम मनाने की दुहाई देती अपीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर्रम के पाक महीने में ताजिए निकालने को लेकर कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। तीनों ही बातों में एक चीज कॉमन है और वो है मुहर्रम। हालांकि मुहर्रम का मसला इस देश की छोटी सी मुस्लिम आबादी से जुड़ा है, जिसे शिया कहा जाता है। ना सिर्फ मुस्लिम इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में इसकी शुरुआत की घटना एक बड़ा मोड़ है, जिसने मुस्लिम दुनिया में आपसी फूट और तनाव को बढ़ावा दिया है। यहां तक कि आज के मध्य पूर्व संघर्ष भी इसी घटना की आधुनिक परिणति माने जाते हैं। दरअसल 6वीं शताब्दी के आसपास अरब प्रायद्वीप खुखार जंगली जनजाति कबीलों का एक समूह था। हर शहर में अलग जनजाति राज करती थी। रेगिस्तान में होने के चलते इनका मूल व्यवसाय व्यापार और आपसी लूटपाट ही था। बस मक्का शहर के आसपास कुछ खेती होती थी। इसके बावजूद भी यहाँ ना तो कोई राजनीतिक व्यवस्था थी, ना ही कोई सामाजिक व्यवस्था। कई कबीले मूर्ति पूजा भी करते थे। ऐसी ही परिस्थितियों में वर्ष 570 में हजरत साहब का जन्म अरब के एक बड़े शहर मक्का में हुआ। उनका परिवार भी पेशे से एक व्यापारी था। बड़े होते हजरत मोहम्मद ने इस माहौल के दौरान महसूस किया कि व्यापार की वृद्धि के लिए शांति जरूरी है। लगातार चलने वाली इस आपसी लड़ाइयों की वजह से आर्थिक समृद्धि पर एक स्थायी रुकावट आ चुकी है। वहाँ की आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए हजरत मोहम्मद ने हजारों जनजातियों को एक नई पहचान दी। ये पहचान थी मुसलमान। उन्होंने सोचा, साबित भी किया कि इन हजारों जनजातियों को ये पहचान दबा देगी और बस एक ही मजहब बचेगा, यानी इस्लाम। 39 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद ने अपने दीन, अपने मजहब यानी इस्लाम की शिक्षाएं देना शुरू की। व्यापारी वर्ग का समर्थन भी जुटने लगा, लेकिन मक्का में ही स्थित काबा के जनजातीय परंपरावादियों ने इस नए मजहब यानी इस्लाम को चुनौती के तौर पर लिया और हजरत मोहम्मद पर जानलेवा हमले कराना शुरू कर दिया, जिस पर हजरत मोहम्मद ने वहाँ से दूर मदीना जाना ही ठीक समझा। मदीना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित शहर और व्यापार का बड़ा केंद्र था और साल 622 में उन्होंने मक्का से लगभग 500 किलोमीटर दूर मदीना की तरफ कूच कर दिया। यहीं से मुस्लिम इतिहास में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरत माने विदाई। मदीना शहर के व्यापारी और जनमानस, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी, उन्हें इसमें एक मौका नजर आया। उन्होंने हजरत मोहम्मद का साथ दिया। मक्का का भी सारा व्यापार मदीना के ही रास्ते होता था। मोहम्मद साहब ने उनकी बातों पर ईमान लाने वालों की एक सेना बनाई और मक्का से आने वाले लश्करों पर हमले करना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे सारा अरब एक और भीषण युद्ध में उलझ गया, लेकिन अंत में जीत हुई हजरत मोहम्मद की। 630 तक हजरत मोहम्मद का मक्का और मदीना दोनों पर कब्जा हो चुका था और यहीं से इस्लामी राज्य की नींव पड़ी, या कहें डाली गई। हजरत मोहम्मद ने खुद को पैगंबर घोषित किया, जिसका मतलब था अल्लाह का दूत, जिसके बाद उन्हें इस पूरे साम्राज्य का राजनीतिक और धार्मिक मुखिया घोषित कर दिया गया। इस्लाम का ये एलिमेंट अब तक के सभी धर्मों से एकदम अलग था। अब तक के सभी धर्मों में राजनीतिक और धार्मिक शक्ति अलग अलग व्यक्तियों में निहित होती थी। बाद में हजरत मोहम्मद ने खुद को आखिरी पैगंबर घोषित किया और अपने बाद के इस्लाम मुखिया को खलीफा की उपाधि दी। 632 तक आते आते हजरत मोहम्मद का देहांत हो गया। फिर खलीफाओं का नया युग शुरू हुआ। साथ ही युग शुरू हुआ राजनीतिक गठजोड़ों का, मतलब जिसके पास ज़्यादा आर्मी कमांडर्स का समर्थन होता अब वही खलीफा बनता। इसी क्रम में मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर पहले खलीफा बने। 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। दूसरे खलीफा बने उमर, तीसरे हुए उस्मान। दुर्योग से आपसी फूट के चलते मुस्लिम नेताओं ने इन दोनों का कत्ल कर दिया। चौथे खलीफा हुए अली। अली हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा के शौहर भी थे, पर यह बात बहा के महत्वाकांक्षी कठमुल्लों को नागवार गुजरी और यहीं से शिया सुन्नी विवाद का जन्म हुआ।
एक बड़े मुस्लिम धड़े ने अली को खलीफा पद का हड़पकर्ता कहना शुरू कर दिया। 29 जनवरी 669 की एक रोज नमाज पढ़ते वक्त अली को इसी विरोधी धड़े ने जहर बुझी तलवार से कत्ल कर दिया। यही समुदाय बाद में सुन्नी कहलाने लगा और आज पूरे दुनिया में ज्यादातर मुस्लिम इसी समुदाय से जुड़े हैं, जबकि अली को असली खलीफा मानने वाला समुदाय शिया कहलाया। अब तक मोहम्मद साहब के घर परिवार के सब लोगों की हत्या की जा चुकी थी, सिर्फ उनके नवासे यानी अली के बेटे इमाम हुसैन को छोड़कर। अब विरोधी समूह के नेता यजीदी ने खुद को खलीफा घोषित करने के लिए हुसैन को डरा धमकाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। दरअसल इस कोशिश का मतलब था कि अगर हजरत मोहम्मद के रक्त संबंधी उनके पाले में आ जाएं तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर उनका कब्जा होगा। हुसैन जब इसके लिए राजी ना हुए तो उन पर दबाव बढ़ने लगा। यजीदी की सेना ने भेष बदलकर घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में अब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना बेहतर समझा। वो अपने घर परिवार के साथियों को लेकर हज के लिए मक्का चले गए, लेकिन यहाँ भी यजीदी की सेना ने पीछा नहीं छोड़ा तो इमाम हुसैन, जो मक्का में खून खराबा नहीं चाहते थे, अब करबला के मैदान की ओर निकल आए। इमाम हुसैन की तरफ से 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। इन 72 में हुसैन के अलावा उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम भी शामिल थे। इसके अलावा शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी थे। हुसैन का एक ही मकसद था, खुद मिट जाएं लेकिन वो इस्लाम जिंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद साहब लेकर आए थे। माना जाता है कि इमाम हुसैन के शहीद होते ही वहां से कोसों दूर रखी हुई उनके नाम की मिट्टी खून में तर हो गई, जिससे मदीने में खबर हो गई कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। यह खून से तर मिट्टी देखकर ही लोगों ने मातम करना शुरू कर दिया। तभी से शिया समुदाय के लोग हुसैन की शहादत को याद करते हैं और पूरा गम का महीना यानी मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन के कब्र के प्रतीक यानी ताजियों का जुलूस निकाला जाता है। शिया समुदाय इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं और ताजियों को इमाम हुसैन के जनाजे का प्रतीक मानकर मातम करते हुए निकालते हैं। बहुत सारे सुन्नी भी इस मातम में शामिल होते हैं, लेकिन सुन्नी समुदाय के कुछ लोग इस दिन को इस्लाम की जीत के जश्न के तौर पर भी मनाने से नहीं चूकते। एक कहानी ये भी है कि भारत में ताजिया उठाने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन जब तुर्की का सरदार तैमूरलंग भारत को लूटने और कब्जा करने की नीयत से सन 1398 में भारत आया तो हर साल की तरह उस साल मुहर्रम के दिनों में करबला नहीं जा सका। तो उसके दरबारियों ने फैसला किया कि उन्हें यही करबला की तस्वीर बना दी जाए। दरबारियों ने फैसला किया और कारीगरों को बुलाकर इमाम हुसैन की कब्र की तरह ताजिए तैयार किए गए। बस उसके बाद से ही भारत में ताजिए निकालने की परंपरा शुरू हुई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल TFP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए या Facebook पेज TFP न्यूज़ को लाइक करिए। बहुत शुक्रिया।